गुड मॉर्निंग, जल्दी बोलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिजी बिजी होंगे अपनी लाइफ में, बिजी बिजी होंगे। तो आज श्रेष्ठ जा रहा है अपनी, हाँ इसको बांध के जाएंगे। श्रेष्ठ की बेल्ट आज टूट गई, मैंने इसे भटक दी। ले आओ जल्दी, ले आओ बेल्ट बाबा। श्रेष्ठ इसमें बांध के जाता है, देखिए कैसे जाएगा। रास्ते में बिना बेल्ट की चल ही नहीं सकता, क्योंकि एकदम से ब्रेक मारने पड़ते हैं लोगों की वजह से, तो गिर भी सकता है। ये टी शर्ट पहन के इधर इधर लाइए, देखिए हेयर कट कराने जा रही हूँ तो टी शर्ट चेंज कर ले ले रहा हूँ वहाँ पर। तो चलिए अभी चलते हैं श्रेष्ठ को लेके नानी घर। इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर आओ जल्दी। सबको बाय बोल दो, बाय कर दो, चलो चलते हैं। सबको किसी दे रहा। श्रेष्ठ आ चुके अपने नानी घर में, हम लोग ये उतार देंगे और मास्क हटा देंगे। और हेलो करो दीदी से, पहले हेलो करो। हेलो नहीं करते, क्या कर रहे हो आप बाबू? क्या कर रहे हो? किसके साथ खेल रहे हो आप? किसके साथ खेल रहे हो? जल्दी बताओ कौन है आपकी बाबू जी, ये कौन है आपकी? जल्दी बताओ पहले आपकी कौन है? ये देखो बताओ कौन है, ये आपकी दीदी है? आपके दीदी ले आए? आप किससे प्यार करते हो? इस वाली दीदी से या इस वाली दीदी से? हेलो, ज्यादा प्यार किससे करते हो? जल्दी बताओ ज्यादा प्यार किससे करते हो? हम लोग आज बाल कटाने, हेयर कट करवाने हैं। हेयर कट किससे करवाओगे? मामा से। मामा से? मेरे भैया हेयर कट भी करने लगे, ये मामा से हेयर कट कराने आए। ये शॉप रही, कहाँ से आप आए हेयर कट कराने? कितनी दूर से आए आप? इतनी दूर से? बहुत दूर से आए। हाँ। रामा देवी से कहाँ है? कल्याणपुर हेयर कट कराने। हाँ। रोना नहीं बिल्कुल भी? हाँ। बिल्कुल नहीं, कहीं और कटा लिया करो बेटा। हाँ। यहाँ पे ना आया करो। हाँ। यहाँ नहीं कटवाया करो। अभी तो श्रेष्ठ ने हेयर कट करा लिया है। श्रेष्ठ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप? चाहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? ये कहाँ चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं जल्दी बताओ, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अब नानी दादी के घर चल रहे हैं, नानी के घर से। साथ में किसको लेके जा रहे हैं? मौसी जी को। चले घर चले, बाय कर दो। कदो गाइस दादी के घर में मिलते हैं, कदो गाइस दादी के घर में मिलते हैं, दादी के घर में मिलते हैं। हम लोग घर आ चुके हैं, अब बस चेंज करेंगे। स्टेज को थोड़ी सी चोट लग गई, एक्चुअली हुआ क्या, बगल सामने से अंकल आ रहे थे स्कूटी से। आरती बाजी का फोन आ रहा है, बता दो कि हम आ गए, कॉल आ रहा वीडियो बना रही हूँ। तो सामने से अंकल ऐसे स्कूटी मोड़ रहे होंगे, तो बच्चा मेरे पीछे था, उसको लगा अंकल से चोट न लग गया, उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारा तो आगे का टायर जो था वो नीचे रहा, पीछे का टायर पूरा उठ गया, तो पीछे का टायर उठ के लहर गया और बाबू के पैर पे लग गया। तो थोड़ा से स्क्रैच वगैरह आ गए हैं, तो उसको लग गई, तो अब चेंज कर लेती हूँ। शाम का 5:30 बज गया है, चेंज करके फिर मिलते हैं आप सबसे, ठीक है? हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आइए जल्दी आइए, दौड़ के आइए। कैसे हैं आप सब? ये क्या है आपका? ये तो टॉवर है, ये तो टॉवर बना है बदल में। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ठीक 12 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं एक दो दिन से 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज 12 बजे इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं मतलब सुबह से स्टार्ट करने का ब्लॉग मन ही नहीं था, नाश्ता किया और चाय वगैरह पी, फिर बैठे रहे। अभी मैं जा रही हूँ बिल जमा करने, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने जा, स्कूल ही जा रही, स्कूल जी जाने की वजह से लेट हो गए। मतलब ये उठे थे उसके लिए उठ नहीं रहे थे कि नहीं मैं नहीं उठूंगा, मुझे सोना है, ये सब कर रहे थे। तो लगा कि ऐसे स्कूल भेजने से क्या, जब तक माइंड फ्रेश ना हो। हाँ, तो फिर स्कूल नहीं गए ये, अभी रेगुलर स्कूल जाने वाले हैं, फिर आपको ब्लॉग एकदम ब्लॉग स्कूल का ही ब्लॉग दिखेगा। और अभी मैं जा रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। कुछ मम्मी ने ग्रोसरी का सामान वगैरह लिखा है तो कह रही लेके आ जाओ, तो मैं वो दोनों काम करने जा रही हूँ हायाबूसा से। तो चलिए अब निकलते हैं, पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करूँगी, उसके बाद फिर ग्रोसरी का सामान लूँगी, देन वापस घर आऊँगी। और घर आके भी देखती हूँ क्या काम करना है, कुछ काम वगैरह भी करने हैं तो कर लूँगी। और एक हॉटस्टार पर मूवी आई है सीतारमण, वो 5-6 दिन हो गए डाउनलोड किए बट मैं देख नहीं पा रही, तो आज उसको निपटाने का सोच रही हूँ, तो आज वो देखूंगी। और ये देखिए बोरोप्लस लेके भाग रहा कितनी जल्दी, मैं लगा था हाथ बहुत सर्दी में ड्राई जैसे हो जाते हैं ना। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं। हाँ नहीं, दो है इसमें, एक आपका एक मेरा है,
ये सूरज प्रसाद प्रसाद तो ये बिल हो चुका है जमा, तो बिल जमा कर लिया, अगर काम और बचा है ग्रोसरी वाला वो कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ घर ग्रोसरी स्टोर। अब यहाँ पे क्या क्या सामान लेना है वो ले लेती हूँ, हेलमेट मैं पहन के रखती हूँ, लागी निकाल लेती हूँ। सब कहते हैं हेलमेट लगा के घूमती है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है ना, वो शेट लग जा। तो मैं आ चुकी हूँ ग्रोसरी स्टोर, पहले निकला रही हूँ शुगर, मम्मी ने बोली 5 kg सब्जी मसाला दे रखे है ना, हाँ मैं देख लेती हूँ। तो मम्मी ने बोला है एवरेस्ट का सब्जी मसाला, यहाँ पे ढूंढना थोड़ा टफ होता है, ये देखिए सब्जी मसाला लगे हुए हैं। एवरेस्ट का सब्जी मसाला किधर है दिख नहीं रहा मुझे भैया, कांति टूथपेस्ट एडवांस नहीं चाहिए नॉर्मल चाहिए, ये फैमिली पैक है क्या, और सिंगल वाला दिखाना जरा। हमारे सतबरी में ये रहे बड़े भैया, ये रहे छोटे भैया, और यहाँ पे मुझे दिवाली का गिफ्ट दिया गया है, ये देख सकते हैं हम, दिवाली का गिफ्ट दिया दिवाली निकलने के बाद, लेकिन बहुत बड़ी बात है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आज के ज़माने में गिफ्ट के नाम पे आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाइए MRP पे डिस्काउंट भी नहीं देते मतलब, और भैया तो जितना भी सामान था उस पर डिस्काउंट देते, साथ में बड़ा सा कंटेनर मुझे दिवाली गिफ्ट में दिया, थैंक यू सो मच भैया जी। सीरियसली कोई कुछ नहीं देता आज के ज़माने में, कंटेनर तो बहुत बड़ी चीज़, आप इसको खरीदने जाइए लोग इसकी कीमत पहले बताएंगे, ये नहीं कि आपको कुछ दे दें गिफ्ट में, तो उपहार उपहार होता है, तो इस उपहार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि दिवाली के इतने टाइम बाद मुझे एक गिफ्ट मिला, ये निर्वा निकल रहा है, दूसरा पैकेट ला दीजिए, ये कट गया, तो अब मैं सामान लेने आई थी, देखिए अब इसको सही से रखिएगा, एक नुकसान हो गया वो निकाल दीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल कौन सा है, धारा में है, फॉर्च्यून में, हर सामान लेके पूरा, और इसकी दुकान में जा रही है, देखिए बोल रहा है, कह रहा है कि मुझे चाहिए सामान लेके आई ना मस्टर्ड ऑयल वगैरह, ये देखिए तो इससे पैकेट ले लेके भाग रहा है, बताइए पैकेट गिर जाएगा तो फट जाएगा ना, बट इसको कौन समझा। तो चलिए फिर मैं अब सामान वामान रख के चेंज कर लेती हूँ।